नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। और एक फकड़ी नुस्खा दमा रोग के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दमा रोग बड़ा ख़राब होता है और दमा रोग के अंदर रोगी काफ़ी तकलीफ पाता है। इसको अस्थमा भी बोलते हैं और दमा बोलते हैं। हम सिर्फ एक ही फकड़ी नुस्खा बताएंगे। दमा का जो रोगी है, एक तो उसे देखे सिगरेट बीड़ी इन सब से दूर रहना चाहिए, एक डस्ट से दूर रहना चाहिए और एक ठंडे पानी से बचाव रखना चाहिए, ठंडे चीज़ खाने से बचाव रखना, ये थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। और वो जो भी दवाई खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो और चाहे एलोपैथिक हो, उसको कहीं भी डिस्टर्ब ना करें, खाते रहें। और ये जो मैं फकड़ी नुस्खा बता रहा हूँ, जो एक पैसे का भी नहीं, इसको वो करें और फिर मेरे को बताएं कि उनको कितना लाभ होता है। देखिए, आप अपनी जेब के अंदर 30-40 लौंग आप जानते हैं, इसका अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं, जेब में डाल के और धतूरे के जहां 2-4 पेड़ लग रहे हैं, धतूरा जो यही धतूरा जो सब जगह लगता है, जिसके सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, इसकी जो दूसरी जाति होती है उसे काला धतूरा कहते हैं। काला धतूरा भी बड़ी दिव्य है, आपको तो यही मिल जाए तो यही गुण वाला है, कोई दिक्कत नहीं। काला धतूरा के जो पुष्प होते हैं वो थोड़ा बैंगनी रंग लेके होते हैं, तो आप 150 बीज लेकर के, ये लौंग लेकर के और धतूरे के जहाँ 2-4 पेड़ लग रहे हैं, ऐसी जगह देखिए जहाँ पेड़ लग रहे हैं वहाँ चले जाइए और एक सूती धागा अपनी जेब के अंदर रख के जाइए। तो धतूरे के जो ये बड़े बड़े जो डोडे आते हैं, यानी कि जिनके अंदर से धतूरे के बीज निकलते हैं, उनके चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं, यानी कि धतूरे के फूल नहीं, धतूरा का फल। तो एक लौंग को निकाल के जो तीखा है, नीचे वाला हिस्सा है, टोपी वाला ऊपर और नीचे वाला हिस्सा, अपने अंगूठों को और अंगली अंगूठों को धतूरे के फल के कांटों से बचा करके और उसके अंदर गाड़ देवे, धतूरे के फल के अंदर लौंग को गाड़ देवे। इस तरह एक इतने बड़े फल के अंदर आप 4 या 5 लौंग गाड़ देवे। वो अगर फटने साग दिखे तो उसके ऊपर थोड़ा सूती धागा लगा दें। तो इस तरह चाहे एक धतूरे पे, चाहे 2-3 धतूरे पे आप 40-50 लोगों को वो लगा दें और तारीख अपनी जेब के अंदर लिख लें कि भाई आज के दिन इनको लगाया है। और आप 11वें दिन वहाँ जाइए और उन लोगों को जो लौंग आपने लगाए हैं, उन लोगों को अंगूठी से पकड़ के, अंगुली और अंगूठे से पकड़ के और उनको निकाल लीजिए। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस दवा तैयार है। उन लोगों को घर पे ला कर के उस शिला लोडी पे उनका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के एक डिबिया के अंदर रख दीजिए। जिनको दमा की शिकायत है, जिनको पुरानी खांसी है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, तो थोड़ा चलने पर भी हांफ जाते हैं, जिनको एसिडिटी है, दमा के साथ जिनको एसिडिटी है, अब इसका प्रयोग पाउडर का, एक चने की जो दाल होती है उसका जो एक हिस्सा होता है, यानी कि आप यूं मान के चलोगे आधी रत्ती से भी थोड़ा कम, मूंग की मोगर जितना, उसका प्रयोग एक कागज पे थोड़ा सा पाउडर लेके और 10 पीस बूंद शहद की डाल करके उसको सुबह और शाम को चाट जाना चाहिए। और कोई परहेज नहीं है, परहेज जो था हमने बता दिया। जो अस्थमा के रोगी जिनको जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो न खाएं। हमारे पास ये फकड़ी नुस्खा, हमने इसको खुद ने किया है। हमें अभी
अचानक इसके पहले जो सेक्स का वीडियो जारी किया तो हमें ये फकड़ी नुस्खा याद आ गया। तो देखिए, हम अच्छी चीज़ को, हो सकता है कल हम रहें या न रहें, तो आप तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है, इसलिए हमने आपको पहुंचाया है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई बेड इफेक्ट नहीं होगा और दमा के रोगी को अद्भुत लाभ मिलेगा। और जिनको लाभ मिलता है वो मेरे को ज़रूर सूचित करें कि मुझे लाभ मिला है। इसको 21 दिन से ज़्यादा अगर कोई खाना चाहे तो वो कम से कम मुझसे पूछ लेवें या अच्छे वैद्य की राय ले लेवें। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, दमा रोग के अंदर आराम पाएं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।